आज माननीय नितिन गडकरी जी से जो है मुलाकात हुई और जो फ्लाईओवर का जो इशू था, जो तकनीकी इशू था, उसके ऊपर जो करवी चौक से गोलीबार चौक के दरमियान उतर रहा है उसकी लैंडिंग को लेकर जो तकनीकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम था वो हमने उनके सामने रखा। और यहाँ डेलीगेशन में तमाम जो उस इलाके की मस्जिदें हैं, स्कूल्स है, कब्रस्तान है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है और भी दूसरे जो ऑफिसेज हैं एन जी ओज के, डेलीगेशन में बाजार समिति के लोग भी थे। इस डेलीगेशन में जो उन्हें उसके जो रेड जोन है वो बताया गया कि जो टी पॉइंट है मोमिन चौक का, उस वहाँ से जब लैंडिंग होगा ब्रिज जो फ्लाईओवर, तो वो आगे जो है टिंकी की तरफ उतर रहा है, उसके उतरने से दोनों तरफ के कम से कम 10 रास्ते जो है वो ब्लॉक होंगे। इवन ज़मीन एक्वायर करने के बाद भी जो ट्रैफिक जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो मकसद है फ्लाईओवर का ट्रैफिक को क्लियर करना, बल्कि इससे ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा, ट्रैफिक जो है क्योस हो रहा। और इस क्लस्टर के जैसे हमने कब्रस्तान की बात बताई, आस्था है, हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य है और स्कूल महानगर पालिका की एजुकेशन है, स्कूल है, जूनियर मजीदा जूनियर कॉलेज है, दारुल उलूम मदरसा है, तो ऐसे तमाम क्लस्टर्स को जो है अफेक्ट करेगा। कम से कम 10 मैयतें रोज़ आती है और मैयतों के साथ साथ जो गाड़ियाँ आती है शव यात्रा को लेकर, कभी आपदा में फायर ब्रिगेड को लेकर जो गाड़ियाँ आएगी, तो आगे जो है ये बहुत तकलीफ दे होगा। ऐसे ही होगा जैसे जो गणेश टेकरी मंदिर का जो फ्लाई ओवर है रेलवे स्टेशन के सामने, उससे जिस तरह की तकलीफ हुई है पिछले दिनों में, तो वो गलती हमने कहा कि इस गलती को जो है यहाँ ना दोहराया जाए और लैंडिंग को आगे किया जाए और इसकी चौड़ाई को जो है कम कर दिया जाए, ताकि अगर ब्रिज फ्लाई ओवर जब 40 फीट का होगा तो ये इमारतों से सट के चलेगा, जिसके कारण जो है भविष्य में हादसों के जो है संकेत देते हैं। ये जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, इससे ये सरकार का मकसद या नितिन गडकरी साहब का मकसद ये कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। ये फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, टूटेंगी, ही ख़त्म हो जाएगी और कनेक्टिविटी ख़त्म होगी तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वहाँ पर जो बिजनेस है, जो बिजनेस क्लास जो छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जाएगा, उनकी जॉब जाएंगी, उनका बिजनेस जाएगा। जबकि सरकार का दावा यह है, नितिन गडकरी साहब का भी दावा यह है कि मैं रोड इसलिए बना रहा हूँ कि इससे रोज़गार के साधन पैदा हों। ये वाइट फ्लाईओवर है जो रोज़गार के साधन पूरे ख़त्म कर देगा, वहाँ की चोरी गंदगी ख़त्म कर देगा, वहाँ की कपड़ा मार्केट भी ख़त्म कर देगा, वहाँ के अंदर कॉस्मेटिक ज्वेलरीज को ख़त्म कर देगा, वहाँ पर बर्तन की दुकान को ख़त्म कर देगा और तमाम खाने की फूड इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। पता नहीं कितने लोगों को ख़त्म करेगा, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तीसरी बात, धार्मिक एतबार से सबसे बड़ा बाई लेन है, रोड है कब्रिस्तान जाने के लिए, वहाँ साल भर तक हज़ारों लोग चलते रहते हैं। दो त्यौहार होते हैं जिसमें लाखों लोग पूरे शहर से आते हैं और बाकी दिनों के अंदर 10 से 20 मैयतें जाती रहती है, अपना गाड़ियों से जाती है, इससे जाती है, वो तमाम की तमाम भी बंद हो जाए तो कनेक्टिविटी मिलेगी नहीं, तो ऐसे पुल की जरूरत क्या है वहाँ पर। इसलिए उसको सूटेबल जगह पर लेकर जाया जाए और वहाँ पर उसको उसका लैंडिंग की जाए। हमारा इतना ही कहना था मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि टेक्निकल आस्पेक्ट में देखता हूँ और अपने चीफ इंजीनियर को बोला उन्होंने इसका फिजिबिलिटी को देखिए और उसके बाद में आगे कार्रवाई कीजिए करके, ऐसा उन्होंने कहा। ये बहुत स्पष्ट किया हमने कि हम इस फ्लाईओवर के विरोध में नहीं है, हम इसकी लैंडिंग सही स्थान पर चाहते हैं और इसकी चौड़ाई को जो है कम करना चाहते हैं।